जहां पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, तो वहीं उनके समर्थन में अब इस आंदोलन में उत्तराखंड के किसान भी पीछे नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 फरवरी को उधम सिंह नगर के किसानों ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार खुद लाया हुआ एमएसपी वाला कानून वापस ले। इसके अलावा किसानों ने विश्व व्यापार संगठन के विरोध में भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्टेट हाईवे के किनारे विश्व व्यापार संगठन के पुतले के साथ धरने पर बैठ गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से भारत बाहर हो। कारण यही है कि जो एमएसपी का कानून है, मोटी बात तो यही है वो सरकार वापस ले। बात तो इतनी और कोई बात नहीं, क्यों किसानों को दुखी कर रही सरकार, समझे बात नहीं आ रही। वहाँ गोलियां चल रही है, किसान शहीद हो रहे हैं, सरकार को अभी समझ नहीं आ रही और लोग दुखी हो रहे हैं। पूरे भारत में आज ट्रैक्टरों का ये जो प्रोग्राम है सड़कों पे खड़े करने हैं। अब देखो पूरी लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन खड़ी है। क्यों खड़े हैं ये, दुखी होकर खड़े हैं किसान। सरकार को मान जाना चाहिए, क्यों नहीं सरकार मान रही। हमने पता नहीं क्या नुकसान कर दिया इसमें सरकार का। सरकार ने कानून बनाया इसी का, आज का, तो सरकार वापस क्यों नहीं ले रही उसको, क्यों नहीं लागू कर रही उसको। अच्छा आज का क्या प्रोग्राम है? आज तो ये ट्रैक्टर खड़े करने, जो हमारा ऊपर से आदेश है वो खड़े कर दिए ट्रैक्टर ला के साइड पे। ये भी कहा ऊपर से कि मतलब दुखी ना हो, इसलिए साइड पे खड़े कर रखे हमने। मैं बताता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है और किस तरह की तैयारियां? ये इस तरह का प्रोग्राम है कि आज WTO की अबू धाबी में WTO की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हमारे देश के मंत्री जो है पीयूष गोयल जी शामिल होने जा रहे हैं उसमें। और हमारा किसानों की बड़ी मांग है कि WTO से भारत बाहर आए, क्योंकि WTO ही विश्व व्यापार संगठन जो है वही किसानों के विरुद्ध में नीतियां बनाता है, किसान के विरोध में नीतियां बनाता है और इन्हें हमारी सरकार को आदेशित करता है कि किसानों की सब्सिडी बंद करो, किसानों के सारे जो अधिकार हैं उनको खत्म करो और ये जमीनें जो है सरकार के हवाले करो, कॉरपोरेट के हवाले करो। इसलिए हमने ये दिन खास तौर पर चुना गया है, SKM ने खास तौर पर चुना है। हमें आदेश है कि सड़कों पर हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली को मुंह करके ट्रैक्टरों को खड़ा किया गया है ताकि हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ आज ये प्रदर्शन है WTO के खिलाफ और 2 बजे हम WTO का पुतला भी चलाएंगे। और मुख्य मांग आज हमारी ये है कि WTO से भारत बाहर। आपको बता दें कि जनपद के किसान सुबह 11 बजे से पहले अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंच गए। दिल्ली तरफ मुंह कर अपने अपने ट्रैक्टर को लंबी कतारों में खड़ा कर दिया, जिसके बाद किसानों ने ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच किसान हाईवे के किनारे घंटों धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि आज WTO की बैठक है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि भारत WTO से बाहर हो, क्योंकि प्रमुख कृषि निर्यातक देशों ने 2034 के आखिर तक खेती को समर्थन देने के लिए WTO के सदस्यों के अधिकारों के वैश्विक स्तर पर 50% कटौती का प्रस्ताव किया है, जिसे लेकर किसान WTO से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके विरोध में किसानों ने WTO के पुतले की शव यात्रा निकाली, बाद में पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान किसान केंद्र सरकार से खासा मुखर दिखाई दिए। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।